नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने कमेंट में पूछा था कि सर, हम लोग सी कैटेगरी से आते हैं, अभी तक मैंने बैंक विवरण अपलोड नहीं किया है और ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक विवरण का ऑप्शन कैटेगरी सी वाले का आ गया है। तो मैं आज बताऊँगा कि आप बैंक विवरण कैसे अपडेट करेंगे, बैंक विवरण अपडेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ बातों का ध्यान में रखना होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ट्रांजेक्शन आईडी क्या भरेंगे। साथ साथ अभी तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक किसी का बैंक नहीं खुला है, चेक आने में आपको दिक्कत होगा, तो कौन से बैंक में आपको खाता खुलवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हैंड टू हैंड दो ऐसे बैंक हैं जहाँ पर मैं बताऊँगा, हैंड टू हैंड आप हाथों हाथ वो चेक दे देगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, उद्यमी योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चले आना है, लॉगिन कर जाना है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, दस्तावेज अपलोड, ऐसे करके आपको ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बियाडा वाले के लिए यहाँ पे मेनली दिया गया है। हालांकि सभी कैटेगरी ए बी सी सभी के लिए अलग अलग यहां पर सभी को दिया गया ऑप्शन है फिलहाल अभी तक। यहां पर आप देख सकते हैं जो बैंक विवरण अपलोड करने का अंतिम तिथि 31 मई है। हमें लगता है कि यह डेट बढ़ाया जाएगा क्योंकि कैटेगरी सी वाले का जो कल ही के डेट में, यानी मेरे हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे कि कैटेगरी सी वाले के लिए जो अपडेट आया हुआ है कब आया है, तो 29 मई से ये शो हो रहा है। तो ऐसे में दो दिन में कैसे होगा, तो हमें लगता है कि कैटेगरी सी वाले का बढ़ेगा, तो इसी के हिसाब से सभी का कैंसिल चेक बढ़ेगा अपलोड करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक विवरण में आपको चले आना है। चलिए मैं बैंक विवरण में जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, संस्था या इकाई के बैंक विवरण का अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। बैंक विवरण में गए, इसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक विवरण के बाद दस्तावेज अपलोड पर ज़रूर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर बारी बारी से मैं बता रहा हूँ, बैंक विवरण के बाद एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, बैंक विवरण के बाद दस्तावेज अपलोड पर ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि बियाडा जो, कृपया करेंट अकाउंट का डिटेल्स भरिए, बैंक का नाम आपका रहेगा, जो भी बैंक है फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट आपका होना अनिवार्य है, शाखा का नाम, शाखा का प्रकार जो टाइप से करेंट अकाउंट ही वैलिड है, इसलिए आप इसमें सेविंग नहीं कर सकते हैं। खाता ओपनिंग डेट यहां पर, हां, कैंसिल चेक के जगह पर बैंक विवरण आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक विवरण में आपको क्या करना है, जब बैंक विवरण अपलोड बैंक के स्टेटमेंट में रखाने का मतलब है, हाँ, जहाँ पर कैंसिल चेक नहीं है बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद सेव कर देंगे। ट्रांजेक्शन आईडी जो बैंक के स्टेटमेंट पर आपको तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रांच में किसी का जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो दे सकते हैं, क्योंकि सेम ब्रांच में सेम ही ट्रांजेक्शन आईडी होता है। तो ट्रांजेक्शन आईडी का नमूना पर जब क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन आईडी जो लास्ट में दो अंक हैं वो होगा, ज़्यादातर 29 होता है अधिकांशतः। आप देख लेंगे 29 या 31 जो भी हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपडेट कर देंगे, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, मैंने आपको बताया नमूना, आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहला बार आपको बैंक विवरण पर क्लिक करना है, दूसरा बार आपको बैंक विवरण के बाद दस्तावेज अपलोड पर जाना है। चलिए दस्तावेज अपलोड पर मैं क्लिक कर दिया। दस्तावेज अपलोड में आपको यहाँ पर देखेंगे कि बियाडा ही लिख रहा है, तो ये इन्होंने अपलोड कर लिया है, तो अब अपलोड का ऑप्शन नहीं है। अगर अब आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार का त्रुटि हुआ है, तो आपको इसको ऑप्शन देने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन आईडी का जो ये जो दस्तावेज आप कैंसिल चेक अपलोड करने का ऑप्शन के लिए डिपार्टमेंट को मेल कीजिएगा, तो हो सकता है कि वो करेगा, समझे। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जो बैंक विवरण में है सेव कर दीजिएगा और दस्तावेज अपलोड में अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड आपका हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं। अभी तक जिन लोगों का करेंट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाई, आप लोग करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब करेंगे कब करेंगे,
तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि ग्रामीण बैंक और एक एक्सिस बैंक दो ऐसे बैंक है जो हैंड टू हैंड हाथों हाथ कैंसिल चेक आपको देता है, तो वो चेक देगा तो उससे आपका काम चल जाएगा, वो हैंड राइटिंग में रहेगा। आपको इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, वो आप टाइप करेंगे कि कैंसिल चेक कैसे भरे BST ऑर्टिस्ट, तो वीडियो आ जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि ग्रामीण बैंक और एक्सिस बैंक ये दो ऐसे बैंक है जो हाथों हाथ कैंसिल चेक देता है, यानी चेक देता है। आप बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से बढ़िया होगा चेक, तो आप चेक दे सकते हैं। थैंक यू। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।